हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। तो आज है हम रजोकरी के पेट्रोल पंप पर और हम जाएंगे यहाँ से सीधा धोला कुआं और देखते हैं इस पेट्रोल पंप से लेकर के धोला कुआं तक कितना डिस्टेंस है। मीन्स बीच में अभी महिपालपुर पड़ेगा, महिपालपुर पार करेंगे तो देखते हैं। चलो करते हैं ट्रिप सेट। बाकी आप देख सकते हैं, जैसे कि बता दूँ, सैटरडे लॉकडाउन है पूरा। ये हमारी बाइक खड़ी है सामने और सैटरडे संडे लॉकडाउन है और टाइम इस टाइम आई थिंक 11 बज रहे होंगे। तो देख लेते हैं हम बाइक में। तो टाइम की बात करें तो 11:15 हो रहे हैं। ये हमने ट्रिप सेट कर ली है, ट्रिप कर ली 0 और देखते हैं ये धोला कुआं तक हमें कितना डिस्टेंस पड़ता है। आई थिंक अप्रोक्सली नहीं तो नहीं 10 से 12 किलोमीटर की राइड होगी। बाकी चलते हैं, देखते हैं, करते हैं राइड स्टार्ट। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं राइड हो गई है स्टार्ट और खाली है बिल्कुल। ये टेम्पो वगैरह का तो आपको पता ही है, ये तो ऑलवेज रहता ही है। चलते हैं, देखते हैं क्या होता है। और चलो मुझे जस्ट मेरी सबसे स्पीड तो आई थिंक 100+ होगी। देखते हैं क्या होता है आगे। मतलब आपको पूरे रोड पर कोई नहीं मिलेगा सिर्फ इन डंपरों के सिवा, बिकॉज हमें NH1 का, और जैसे कि आप जानते हैं कि दिल्ली में लॉकडाउन है तो ऐसा लॉकडाउन आगे देखा है डंपर। और अभी हम थोड़ी देर में घूमने वाला हूँ महिपालपुर के फ्लाईओवर से। अगर आप डिमांड करेंगे कि हाँ मैं महिपालपुर फ्लाईओवर का डिस्टेंस आपको बताऊँ तो प्लीज़ मुझे आप कमेंट में शेयर कर सकते हैं, मैं उसकी एक वीडियो ला सकता हूँ। और जैसे कि आप देख सकते हैं सामने फ्लाईओवर है ना जो कट रहा है, ये है टर्मिनल 3 के लिए, मीन एयरपोर्ट टर्मिनल 3 के लिए। ये हमारे जुड़ चुके हैं महिपालपुर के फ्लाईओवर से और ये हमारे बगल के फ्लाईओवर से ही टच हो रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारा बगल का फ्लाईओवर स्टार्ट होने वाला है और ये स्टार्ट हो गया। तो हमारे राइट एंड साइड पर जो ये फ्लाईओवर देख रहे थे हमें चीज़ के लिए कि अगर कोई आ रहा है दिल्ली से या फिर बाहर से आ रहा है तो मतलब उसको ज़्यादा भी इतना करना पड़ेगा, सीधा आप इससे फ्लाईओवर लेंगे और सीधा करने के लिए निकलेंगे। बाकी मेटा तो वगैरह लोगों के लिए तो खैर करनी है ही, आई थिंक तो खैर निकल। तो राइड नाइट में राइड करने में थोड़ा सा मज़ा बस यही है कि आपको ना बिल्कुल खाली माहौल मिलता है। आप जैसे मर्जी गाड़ी चलाओ, जैसे मर्जी बाइक चलाओ, कोई इशू नहीं है। बट हाँ, रात का ये छोटा सा डर भी है, रात में ठंडा हो जाना बहुत ज़्यादा होता है तो इन चीज़ों में डर लगता है। क्योंकि उनके हॉर्न होते हैं, उनके जो हॉर्न होते हैं बाइक और बहुत ही डेंजरस होते हैं, बहुत मूव करते हैं और जब ऊपर से आते थे तो उनका बहुत डर लगता है मुझे। एंड ये है कि इस टाइम हम रात में बाइक से निकलते हैं अंदर राइड लेते हैं तो क्या होता है, सामने वाले को नहीं पता कि अंदर राइड लेने के लिए वो अपने के सही में रहता है। और रात के लिए आज टेम्पू नाइट में बाकी देखिए हम मैदान पर पास कर चुके हैं। राइटिंग साइड का सारे सारे होटल थे जो मैदान के लिए हैं, क्योंकि एयरपोर्ट है तो पढ़ने से घर आते हैं तो फिर वो यही इशू करते हैं। और थोड़ी देर में हम घूमने वाले हैं जो कि हमें ब्लॉक करता है बसंतपुर एंड ढोलकपुर के लिए। तो हम बसंतपुर से रहने वाले हैं नहीं, हम जाएंगे ढोलकपुर। तो वहाँ पर टर्निंग पॉइंट आता है, टर्निंग पॉइंट ये है कि एक राइट लेंगे तो बसंतपुर, लेफ्ट लेंगे तो ढोलकपुर। फ्लाई ओवर से टर्निंग पॉइंट जुड़ेगा। अब हम चल रहे हैं, चल रहे हैं, चल रहे हैं, बाकी आगे चल के देखते हैं क्या होता है। बाइक हम ज़्यादा भगाएंगे नहीं, बिकॉज अस्सी पचास की स्पीड ठीक ठाक है, नॉर्मल है। 90+ तो ये भी कहते हैं ना रोड पर।
मतलब आपको राइड में आपने देखा होगा कि मतलब मेरे अगल बगल में ना कुछ भी नहीं है, मतलब बाइक ना कोई कार ना कोई कुछ, बहुत कम मतलब कहते हैं ना कि बहुत ही कम देखने को मिलेगी मेरे बगल बगल में था। तो ये राइड थोड़ी सी लंबी होने वाली है, बिकॉज यार यहाँ जो भी से लेकर के बोला गया था कोई छोटी बात नहीं है, तो इसलिए राइड थोड़ी लंबी है। कोई बात नहीं, आप लोगों को शायद से पसंद नहीं आया तो आप प्लीज कोई बात नहीं, आप इसे इग्नोर कीजिएगा। ये ऊपर चार बजे आए हैं द्वारका काट रहे, अहम चल चुके हैं इस टाइम तमिल को, अहम चल गए यहाँ पर। हम मतलब ये फ्लाई ओवर जो ये है, अगर हम यहाँ से लेफ्ट लेंगे तब दो लगे निकल जाएंगे, राइट लेंगे तो हम पूछेंगे मसल को, ऊपर इंडिकेशन बोर्ड भी है और हमें जब दो लगे तो यहाँ पर लेफ्ट लेंगे। और आई थिंक जिस तरीके से गाड़ी निकल रही है वो जाएंगे बसल के हवा दो होगी, तो ये सामने देख सकते हो कि दोनों लेफ्ट पर और ले लिया, हम ले चुके हैं एक्चुअली, हम ले चुके हैं। और ये गाड़ी दोनों गाड़ी जा रही है तो वो बसंत को निकलती है, हम लेफ्ट लेते हैं सीधा निकलेंगे ढोला के लिए। दोस्तों राइट थोड़ी लंबी हो रही है तो प्लीज़ बोर्ड मत होइएगा, बट मौसम की बात की जाए तो मौसम बहुत ठंडा है, सीरियसली आज बहुत ठंड लग रही है। ये रात की 11 बजे की बात है, 11 से 11:30 बजे सवा 11 हो रही है, तो ठंड बहुत लग रही है मुझे, बट कोई नहीं, मतलब कहा हमें आप लोगों के लिए वीडियो बनाने कोई तो बात नहीं, तो ठंड भी हम काम कर रही है बड़ा है एजुकेशन कुछ भी नहीं है, जैसे भगा करके भाव आप लोग गाड़ी एकदम मैं बाइक बहुत स्पीड चलाता हूँ, कार सत्तर ले लिए और ठीक ठाक है तो मैं इसी स्पीड पर चलाता हूँ। जैसे ज़्यादा ध्यान रखने वाले हैं बोला चुके हैं, और जैसे कि मैं आपको बता दूँ स्लाइडर क्रॉस कर चुके हैं, और ये है स्लाइड लाइन हमारे लेफ्ट साइड पर, यह है मेट्रो ट्रैक और राइट साइड से करते करते पीछे जाइए गाड़ी, और ये हम रेड लाइन से जैसे कि आप आगे करके आप देखिए NHI तो ये आ गया रेड लाइन का जो इंडिकेशन, जैसे राइट में है बार एंड लेफ्ट साइड आगे चाहे आपको देखना था होगा शायद से, बट अभी हमें इससे कोई इशू नहीं है, हम ये देखना चाहते हैं अभी हम फ्लाईओवर खत्म हो जाए तो एक फ्लाईओवर पूरा हो जाए, उसको क्रॉस करते हैं सीधा पूछेंगे धोला कुआ, क्योंकि धोला कुआ जैसे कि आपको पता है NCR का बहुत बड़ा बस स्टैंड है। अगर आपको जयपुर जाने हैं मुंबई जाने हैं तो वहाँ से आपको आपको ईजीली बस मिल जाएंगे, क्योंकि फ्लाईओवर ये इस तरीके से बनाया है ना, क्योंकि जनकपुरी हो गया या फिर आपका नगर वगैरह हो गया तो यहाँ पे आप इजली जा सकते हैं, यहाँ पर क्योंकि आप यहाँ रहते हो या फिर क्योंकि आप यहाँ पर गलती से आ गए हो तो आप इजली सर्वाइव कर सकते हो। बाकी राइड देख चुका है मैं कहता हूँ कि अभी फ्लाई ओवर हम लेने वाले हैं, फ्लाई ओवर आने वाला है सामने देखते हैं, ये फ्लाई ओवर हम चल रहे हैं। वाओ घुमाएगा की तरफ से, अच्छा ये एक्चुअली मिलिट्री एरिया थोड़ा मिलिट्री का था, मिलिट्री जो भी है कहीं क्या है क्या नहीं, तो ये लास्ट लाइव हम ड्रॉप कर चुके हैं, हमको ढूंढना हुआ बाकी देखते हैं अभी कहाँ जा रहे हैं रोड बनने दूंगा, तो हम पहुँच गए ढूंढा हुआ और ये है बस स्टैंड पूरा ढोला कुआ का, हमारा राइट एंड साइड पर ढोला कुआ मेट्रो स्टेशन, लेफ्ट साइड पर मेट्री हाउस आएगा, मैं वहीं पर बाइक रखूँगा एंड वहीं पर मैं आपको बताऊँगा बाय। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं हम पहुंच गए हैं ढोला कुआ, और ये सामने है मेट्रो स्टेशन ढोला कुआ का, हमारे राइट एंड साइड पर ये मिलिट्री इंस्टीट्यूट है। तो डिस्टेंस की बात करें तो रजौरी से हमें ढोला कुआ का जो डिस्टेंस मिला वो है सिर्फ 9.7 किलोमीटर का, और टाइम की अगर बात करें तो हमें सिर्फ वहाँ से यहाँ तक आने में 15 मिनट लगे,
बाकी 15 मिनट तो ऐसे लगे क्योंकि रास्ता पूरा खाली था और शनिवार की रात है, तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि दिल्ली में पूरा लॉकडाउन है सैटरडे एंड संडे। तो राइड काफ़ी अच्छी थी, मेरे को बहुत मज़ा आया। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, हाँ, और सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूलें। बाय बाय।